टेक्नीशियन ज्ञानेश्वर। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आ गया हूँ अटमबर्ग जो पंखा है, सीलिंग फैन, रिलायंस कंपनी का ये जो वाला, तो इसकी वो अनबॉक्सिंग करेंगे और उसको चला के भी दिखाएंगे कि वाकई ये कितना वैट लेता है कितने नहीं। उसकी सबसे पहले हम प्राइस चेक करते हैं। ये देखिए, ये 1200 mm का है और यहाँ पे प्राइस दिए वाली है 5390 रुपये। तो मुझे ये 4000 रुपये तक मिल चुका है। ये मैंने अमेजोन से ख़रीद लिया है, ऑनलाइन परचेस किया है। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए इसको खोल लेते हैं कि वाकई ये 35 वैट लेता है। कंपनी का दावा है ये पहले वैट 5 वैट से शुरू होता है, 5, 15, 13 और 28, और सबसे ज़्यादा वाला जो स्पीड है वो 35 वैट लेता है। कि वाकई ये लेता है या नहीं है इसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो ये रहा इसका गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड। ये 3 साल की वारंटी है, 2+1 यानी कि 1 साल गारंटी होगी, और दो जो भी कुछ है उसके ऊपर लिखे वाला है। इसके साथ लिखे मिलता है, ये देखिए ये स्मार्ट रिमोट मिलता है। आपको रेगुलेटर इस फैन के साथ लगाने की कोई अलग सी ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर ये स्पीड लिखे वाले है और ये LED लाइट है, ये नाइट और ये टाइमर, इसके सब वो आगे आपको सब पता चल जाएगा। फिलहाल लगते उसको साइड में। और क्या आता है, इसका लोहे का पाइप आता है, करीब करीब 1 फीट है ये, तो चलिए उसको रख देते साइड में। तो और ये क्या है, थर्मोकॉल निकाला इसके अंदर। और क्या है, ये देखिए 2 कैप आते हैं, इसमें से 1 कैप निकालेंगे हम। तो ये देखिए एक कैप भी बहुत स्ट्रांग है और अच्छी है, इसका कलर भी ब्लैक बहुत अच्छा है। तो चलिए उसको भी रख देते, 2 है इसके साथ, 1 ऊपर की और 1 नीचे की। तो चलिए उसको रख देते साइड में। तो और क्या है इसके अंदर, ये देखिए क्लिप है, ये उसको नट बोल्ट लगने वाली, ये क्लिप है इसकी, इसको भी रख देते साइड में। और इसके साथ ये यानी कि गिरने जाए कोई पंखा, ये अलग सा फंक्शन इसके अंदर पाया जाता है। अभी अभी कुछ पंखों के अंदर ये भी आ रहा है वायर, अगर कोई नट बोल्ट इसमें से कट गया तो ये बचा लेता है। ये सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है लगाने के लिए, ये भी मैं अब आगे बताऊंगा उसको लगाने के लिए कैसे लगाते हैं कैसे नहीं। तो सबसे बाद में देखिए इसके अंदर और ये क्या है। तो ये देखिए ये इसकी मोटर है, ये सबसे मेन पंखा यही है। तो चलिए उसको भी बाहर निकाल लेते हैं। और क्या है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। तो ये पंखा कुछ इस तरह से दिखाई देता है, अटमबर्ग का सीलिंग फैन है ये, 1200 mm में आता है। तो चलिए उसको एक बार रख देते थोड़ा साइड में, तो हम बात करेंगे इसकी। ये रहा मोटर और ये फैन। तो यहाँ पे लिखे वाला होता है ये 220 वोल्टेज पे काम करता है। चलिए दिखाता हूँ नज़दीक से, इसको कोई कंडेंसर या कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए दिखाता हूँ अच्छी तरह से। ये देखिए इसके ऊपर 35 वैट लिखे वाला है, 1 पेज लिखे वाला है, ये देखिए 220 पर ये काम करता है ये, तो ठीक है। तो इसको मैं चला के भी दिखाऊंगा आपको और कैसा ये काम करता है, कैसे वर्क करता है। तो चलिए हम उसको लगा के देखते हैं और टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए 2 वायर लगा लिए यहाँ पे, ये देखिए दिखाता हूँ मैं नज़दीक से, ये देखिए 2 वायर मैंने यहाँ पे लगा लिए, और इसकी पिन भी मैं डाल दूँगा इस मीटर के अंदर। चलो दिखाता हूँ वो मीटर कौन सा है, ये डिजिटल मीटर ही है। इस बॉक्स में से हमने निकाला ये पंखा, तो ये रहा डिजिटल वो मीटर। यहाँ पे सब स्टोर कर रहा है 214 वोल्टेज सब। तो चलिए हम उसको लगा के देखते हैं, वाकई ये कंपनी का जो दावा है 35 वैट लेता है, तो वाकई ये 35 वैट लेता है या नहीं, क्या उससे कम लेता है, ये पंखा आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ से उठा लेता हूँ एक हाथ से, और उसकी टेस्टिंग भी करके दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे अब मैं उठाने जा रहा हूँ, और जैसे हम इसको बटन लगाएंगे, अभी उसके ऊपर लोड नहीं है,
तो ये कम से कम मेरे ख्याल से कम वैट लेगा यहाँ पे। यहाँ पे कुछ वैट गिट नहीं दिखाई देगा। जैसे मैं ऊपर लगाऊंगा तब इसको दिखाऊंगा कि मैं ये कितना वैट लेता है कितना नहीं। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो चलिए दिखाता हूँ, अब इसको चालू कर देता हूँ इस रिमोट के ज़रिए। तो फिलहाल यहाँ पे एक बटन बंद है, तो चलिए एक बार इसको मैं बटन चालू कर देता। और जैसे मैंने बटन चालू कर दिया तो इसमें से एक एलईडी जल चुकी है, वो भी आपको आगे पता चल जाएगा कैसी जल रही है। तो देखिए यहाँ पे एक झटका लगता है, शुरू में थोड़ा सा झटका सा लगता है ये, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट जो होता है परमानेंट मैग्नेट डाले वाला, तो उसी की वजह से होता है ये। तो एक नंबर पे डाल दिया है तो भी ये एक दो वैट ही ले रहा है, 0.1 ही वैट ले रहा है ये। तो देख दो तीन या चार पांच भी डाल के दिखाऊंगा मैं यहाँ पे आपको। तो देखिए दो पे डाल दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ भी वैट नहीं ले रहा है ये। चाहे 5 वैट ले ले या 3 वैट ले ले, एक बार मैंने उसको ट्राई करके देखा। शुरू में तो मुझे लगा कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ी है, मगर इसके अंदर ऐसी कुछ भी गड़बड़ नहीं होती है। ये आपको लगता है स्लो चल रहा है, देखिए 2 ही वैट ले रहा है ये। तो इस पे ऐसी कोई गड़बड़ी की बात नहीं होती है। जैसे मैंने इसका स्पीड बना लिया है 5 नंबर या 6 नंबर पे मैंने कर दिया यहाँ पे, तो भी एक ही जैसा ये वैट ले रहा है ये। अभी 5 नंबर लगाता हूँ यहाँ पे, जैसे 5 नंबर का स्पीड मैंने बढ़ा लिया है तो करीब करीब ये 5 ही वैट ले रहा है यहाँ पे। तो इसके ऊपर अब कोई लोड नहीं है, इसके ब्लेड भी नहीं लगाए हमने। जैसे ब्लेड लगाएंगे हम तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ वैट तो श्योर हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 5 ही वैट लगा रहा है, चाहे कौन सा भी लोड डाल दो इसके ऊपर ये 4 या 5 ही वैट बता रहा है। तो चलिए अब हम नॉर्मल सा जो दूसरा पंखा होता है ये देखिए, ये ओरिएंट पीएसपीओ का पंखा है ये। ये मेरे पास ओरिएंट पीएसपीओ समर कूल नाम से पंखा आता ही है। तो ये कितना वैट लेता है इसे हम चेक करते हैं उसको पहले लगाने से पहले। तो ये देखिए ये मेरे घर पे ही था, पहले लगे वाला था ऊपर, तो उसको मैंने निकाला यहाँ पे और इसका भी हम वैट चेक करेंगे। वो तो 5 ही बता रहा था, कौन सा भी स्पीड अगर डाल दिया हमने तो 5 ही वैट बता रहा था, क्योंकि उसको ब्लेड नहीं लगे थे। तो चलिए ये दिखाता हूँ मैं कितना लेता कितना नहीं। यहाँ पे बटन कर देता ऑन, जैसे ही बटन मैंने यहाँ से ऑन कर दूंगा तो ये देखिए ये 44 या 45 ले रहा है, यानी कि 40-45 ये वैट ले रहा है यहाँ पे। इसके ब्लेड भी नहीं लगे हैं, जैसे ही हम इसको ब्लेड लगाएंगे तो ज़्यादा लेगा। ये देखिए 44 ले रहा है ये 45-44 ये वैट ले रहा है, ये 45 वैट मान के पकड़ के चलो। तो ये बिना ब्लेड का ये 45 ले रहा है, तो वो ब्लेड के ऊपर कितना लेता है कितना नहीं वो आपको आगे पता चल जाएगा। और इस वीडियो देखने के बाद आप वो पंखा लोगे या ये लेगा कौन सा लोगे वो आप डिसाइड कर लोगे, और लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो भी दिखाता हूँ। तो चलिए इसके अंदर लाइट का फंक्शन भी है बटन, वो भी दिखाता हूँ। देखिए ये लाइट लग रही है, जैसे हमने एक स्पीड लगा लिया तो एक ही लाइट इसके अंदर जलता है, और थोड़ा सा झटका सा लगता है और ये चलता रहता है, क्योंकि इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट जो लगे वाला होता है। जैसे हम 2 नंबर का स्पीड का बटन दबाएंगे तो इसके अंदर 2 LED जलेंगी, जैसे आपको दिखाई दे रहा है बस वैसे ही होता है। कौन सा स्पीड चलाएंगे उसी नंबर का अगर दबाया तो 3 जलेंगे, 4 लगाए 4 का बटन दबाए तो 4 LED जलेंगी, 5 नंबर का स्पीड बताएंगे तो 5 लगेंगी, और जो एक लास्ट का स्पीड होता है जो 6 नंबर का, वो जो बीच में होता है ये देखिए बी नंबर का जो दिखे वाला है इसके अंदर, अगर ये दबाया तो 6 के 6 पूरे के पूरे लग जाता और अपने हाई स्पीड के ऊपर चलता ही है। तो ये देखिए 5 ही वैट ले रहा है ये, कौन सा भी अगर स्पीड डाल दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5.2 वैट यानी कि 5 ही वैट ले रहा है ये। तो इसके ऊपर कोई लोड अभी नहीं है, करके बजे ये। तो चलिए मैं दिखाता हूँ इसके ऊपर कोई लोड डाल के देखेंगे हम, उसके ऊपर भी लगाएंगे। ये देखिए लाइट सब लग रही है, ऑन ऑफ इसी से होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया है, एक बार एक लाइट है, लाइट भी दिखाऊंगा इसके अंदर नाइट लाइट है। अगर आपको रात के समय अगर कोई सा भी लाइट नहीं लगाना है लाइट लाइट, तो इसके अंदर वो भी फंक्शन है। तो चलिए यहाँ पे मैंने ये तो आपको सबको बता दिया है कैसे लगेगा कैसे नहीं। तो चलिए हम यहाँ पे ये वाला जो पंखा है मेरा पहले वाला,
इसको निकालेंगे, ये PSP ओरिएंट है, ये मैंने निकाल दिया है। देखिए अब यहाँ पे मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ इसको, तो चलिए दिखाता हूँ। ये रहा वो पंखा जो इससे पहले मैंने उसका आपको वैट चेक करके बताया था, जो 45 वैट ले रहा था खाली ब्लेड से। अगर इसके ब्लेड रह गए तो ये 80 से 85 वैट लेता है। तो कंपनी का दावा है इस पंखे का तो 35 वैट लेना चाहिए। तो चलिए वाकई ये लेता है या नहीं है तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो फिलहाल मैंने इसके ब्लेड भी लगा लिए यहाँ पे, ये देखिए। और इसको कंडेंसर वगैरह कुछ भी नहीं है, बहुत ही हल्का है ये, इससे भी दो गुना भी हल्का है इससे। तो फिलहाल ये देखिए मैंने यहाँ पे उसको लटका दिया है, ये देखिए। और ये जो पहले वाले वायर की दिखाता हूँ, पहले जो फैन था मेरा उसकी वायर है ये वायर मैंने निकाल दिया इसकी, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसलिए मैंने एक ऊपर से वायर ले लिया है, ये वाला जो ब्लू वायर में दिखाई दे रहा है आपको, उसको ले गया मैं सीधे नीचे इस कड़ी के ज़रिए से, ये देखिए यहाँ पे नीचे चले गए। और ये जो आपको सामने मीटर दिखाई दे रहा है, ये वाला वोल्टेज मीटर, हम इसके ऊपर चेक करेंगे कि ये कितना वैट लेता है हर एक नंबर पे, हर एक स्पीड पे। तो चलिए ये देखिए उसके जो कैप है, ये मैंने नहीं लगाया अभी तक। तो जो पहले वाला पंखा था उसी की डंडी और उसके जो कैप थे उसी को मैंने इस्तेमाल किया है। जैसे ही मेरे को अच्छा लगेगा इसको बाद में मैं निकाल के अच्छी तरह से फिट कर दूंगा। तो ये वायर यहाँ से होते हुए ये देखिए नीचे आ गया है, और यहाँ से होते हुए हम इसके अंदर इस मीटर के जरिए हम उसको चेक करेंगे कि वाकई ये कितना वैट लेता है ब्लेड लगाने के बाद। तो 5 वैट पहले बता रहा था वो खाली, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्विच ऑन। तो देखिए अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और ना ही उन्होंने मूवमेंट चालू कर दिया। जैसे हम उसके रिमोट से एक नंबर दबाएंगे या दो नंबर, तभी ये एक्टिवेट हो जाएगा ये। तो चलिए हम यहाँ पे एक स्पीड डाल के देखते हैं एक नंबर की। जैसे एक बटन दबाया तो एक इसके अंदर की एक LED जल गई है और ये चल पड़ा। तो चलिए दिखाता हूँ कि वैट कितना ले रहा है एक नंबर के स्पीड पे। तो देखिए करीब करीब 3 ही वैट ले रहा है ये फर्स्ट 3 वैट ले रहा है खाली, देखिए 3.3 ही वैट ले रहा है ये। तो चलिए अब दूसरा नंबर ट्राई करके देखते हैं दूसरी इसकी स्पीड जो दूसरे नंबर का है। जैसे मैं दबाऊंगा दूसरा तो 2 LED वहाँ पे जल जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि दूसरे नंबर पे चल रहा है ये। तो 2 नंबर पे थोड़ी सी इसकी स्पीड बढ़ चुकी है। तो देखते हैं वैट कितना आ रहा है, ये 6 वैट ले रहा है ये। चलो 6 ले रहा है 2 नंबर पे। तो चलिए अब दिखाता हूँ 3 नंबर डाल के दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए ये तीसरे नंबर का है बटन, इसको प्रेस करूँगा मैं। जैसे इसको प्रेस करूँगा तो 3 LED जलेगी, ठीक है। तो चलिए अब दिखाता हूँ इसका स्पीड थोड़ा बढ़ चुका है, तो ये कितना वैट ले रहा है ये चलिए दिखाता हूँ। अभी ले रहा है 11 वैट, यानी कि 3 नंबर पे ये 11 वैट ले रहा है ये दिखाता हूँ। ये देखिए 11 वैट ले रहा है ये, 11.5 यानी कि 11.5 या 12 ले रहा है, ठीक है। तो चलिए 4 नंबर का उसका स्पीड डाल देता हूँ यहाँ पे। जैसे ही 14 नंबर का मैं बटन दबाऊँगा तो 4 LED जलेगी, ये देखिए। तो अब इसकी स्पीड भी बढ़ चुकी है ये देखिए। जैसे जैसे नंबर में डाल के यहाँ पे जा रहा हूँ तो स्पीड भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो अब ये ले रहा है 18 वैट, ये देखिए 4 नंबर पे 19 वैट ले रहा है, 18 ले रहा है कभी 19। तो चलिए मान के पकड़ते हैं 20 वैट, 19 वैट 7 बता रहा है, 20 वैट, चलिए 20 वैट 4 नंबर पे 20 ले रहा है ये। तो चलिए अब इसका 5 नंबर का जो स्पीड है वो भी डाल दूँगा मैं यहाँ पे, उसको भी प्रेस करूँगा मैं। तो ये देखिए 5 नंबर में दबाने जा रहा हूँ यहाँ पे, तो 5 LED जलनी चाहिए। तो ये देखिए 5 LED यहाँ पे जल चुकी है और स्पीड और बढ़ गया। ये देखिए फैन की स्पीड भी आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे वैट इसका हो गया ये 29 वैट हो गया, यानी कि 30 वैट हो रहा है कभी 29 बता रहा है। तो मान के चलिए 30 वैट ले रहा है। और इसका एक स्ट्रांग है ये B नंबर का जो बटन है, ये लास्ट का यानी कि 6 नंबर का है, तो इसको भी दबा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूरे के पूरे 6 LED जल चुके हैं। तो अब इसकी स्पीड हाई स्पीड हो चुकी है, इसको 6 दे दिए। तो ये देखिए 35.4 ले रहा है, 35.6 या 35 ले रहा है, ये देखिए दिखाता हूँ ये देखिए। तो कंपनी का दावा जो भी था वो सही निकल चुका है यहाँ पे।
तो 35 वैट का पंखा है ये, तो 35 ही ले रहा है, जो भी लास्ट का स्पीड है इसी के ऊपर अगर मैंने इसको प्रेस कर दिया तो चलेगा। तो ये देखिए अभी इसके अंदर एलईडी है, और अगर नाइट के समय अगर आपको एलईडी लगाना है तो एलईडी भी उसको प्रेस करके एलईडी भी लगा सकते हैं। ये देखिए अगर नाइट लगाना है आपको तो एलईडी लगा के हम उसको भी चालू कर सकते हैं। इसका मात्र 1 या 2 वैट ही ज़्यादा लेता है, तो जैसे हमने 1 नंबर दबाया तो 1 ही एलईडी इसके अंदर की चलेगी और 2, 3, 4, 6 भी चलेंगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको स्पीड बढ़ा लिया है। तो चलिए देखते हैं, इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। तो जैसे मैंने यहाँ से बंद कर दिया है, अगर स्विच से हमने यहाँ पे बंद कर दिया तो वापस आप उनको रिमोट से चालू करना पड़ेगा। तो ये लाइट भी हम यहाँ से बुझा सकते हैं और चालू बंद यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लाइट भी चलाते हैं और फैन भी चला दिया मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर हमने रिमोट से बंद कर दिया तो वापस बटन चालू बंद करने के बाद अब उनको नहीं चलेगा, खाली ये रिमोट से ही ऑन हो जाएगा। अगर तुमने रिमोट से नहीं खाली बटन से बंद कर दिया तो बाद में बटन से ही चालू हो जाएगा ये। तो ये देखिए जैसे मैं बटन बंद कर दूंगा यहाँ पे तो 0 हो चुका है और ये फैन बंद हो चुका है। तो अगर हमने बटन से बंद कर दिया यहाँ पे तो बटन से ही चालू हो जाएगा। अगर इससे पहले चालू स्थिति में अगर हमने रिमोट से बंद कर दिया तो बाद में उसको वापस रिमोट से ही चालू करना पड़ेगा अपन को, ये बात यहाँ पे याद रख लीजिए। तो चलिए उसको कर देते ऑन। जैसे ऑन कर दिया तो यहाँ पे देखिए वैट और ये सब कुछ बढ़ने लगा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पंखा आप उनको ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि कंपनी का दावा यहाँ पे सही निकल चुका है। और हाँ, जो PSP ओरियंट पंखा था वो बिना ब्लेड के यहाँ पे 40-45 वैट ले रहा था, और जैसे ही उसको ब्लेड लगाएंगे तो 60-65 वैट से 70 वैट तक ले जाता है। अगर पुराना हो गया आपका 1-2 साल तो 80 तक चला जाता है ये। अगर इसको वाइंडिंग अगर हमने करके लाई तो 110 के ऊपर ही चला जाता है। कौन सा पंखा लोकल जो होता है, कौन से कंपनी का, यहाँ पे मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मगर जो है मेरे सामने आपको मैंने दिखा लिया है, ये देखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।